आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आम्रपाली से खास बातचीत की भारतीय समाचार के संवाददाता संजय चौहान ने। क्या कुछ बातचीत हुई आपको सुनाते हैं। आम्रपाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चुनाव पर पूरा प्रचार किया धूप में 48 के टेम्परेचर में, इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस जीत को सीधा भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की जीत बोल रही हूँ। जितनी उन्होंने योजनाएं लाई है, चाहे मोदी जी चाहे योगी जी, जितना उन्होंने आम जनता के लिए किया है, ये उसकी जीत है। अब आजमगढ़ के लिए विकास की बात कर रही थी, चुनाव के पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास होगा, किस तरीके की चीजें होंगी ये बात तो दिनेश जी बताएंगे, लेकिन मुझे गारंटी से पता है कि अब डबल इंजन की सरकार के साथ आजमगढ़ का भी डब्बा जुड़ चुका है, तो विकास बहुत अच्छा होगा, बहुत तेजी से होगा। पूर्वांचल के साथ साथ कितना जो भोजपुरी एक्टिंग है और जो भोजपुरी लोग हैं उनको कितना फायदा मिलने वाला है? बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तब से हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों को यहाँ पे पहले से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और अब हमारी इंडस्ट्री के इतने सारे लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, तो हम आर्टिस्टों के लिए और बेनिफिशियल होगा। तो इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत खुश हूँ और बस मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू आप लोगों ने आजमगढ़ में कमल खिलाया। थैंक यू। दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़।